हेलो नमस्कार दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, किसी की मीटिंग करने के लिए, क्लास लेने के लिए हम तीन ऐप हैं जो हम, ये ऐप देख रहे हो आप, एक तो जूम ऐप है, एक ट्रोमो है, ट्रोमो और एक मीट है। तो हम तीनों क्लास ले सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ सिर्फ जूम ऐप के बारे में कि जूम ऐप में हम मीटिंग किस प्रकार लेते हैं। जूम ऐप को हमने इस पहले डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में, मेरा डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैंने आपको सीधे डायरेक्टली बता रहा हूँ, टाइमिंग कम लगे इसलिए। तो सबसे पहले हम मीटिंग को कैसे अटेंड करना है, तो हम सीधे डायरेक्टली हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वो नंबर दिए रहते हैं, तो नंबर हम सीधे डायरेक्टली लगा सकते हैं। वापस बता रहा हूँ, अगर किसी ने लिंक दिया हुआ है तो सीधे डायरेक्टली वो लिंक हम क्लिक करेंगे तो वो क्लिक के माध्यम से हम सीधे डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उन्होंने नंबर और पासवर्ड दिए रहते हैं, तो हमें क्या करना है, इस पर ज्वाइन करना है, इस वाले लिंक पर जाके ज्वाइन करना है। जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ मीटिंग आईडी नंबर होगा, तो मीटिंग आईडी नंबर लगाना है। मीटिंग आईडी नंबर लगाने के बाद में जैसे फिर वो वापस मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड लगाने के बाद में हम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का ऑप्शन होगा तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें मीटिंग लेनी है तो सबसे पहले हम कब लेनी है, कितनी बजे लेना है, कितनी तारीख को लेना है, तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल पर जाएंगे, यानी ये कैलेंडर दिखाई दे रहा है, इस वाले पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट के बारे में ले रहे हैं या कोई मीटिंग रख रहे हैं, तो उस मीटिंग का नाम जो भी है यहाँ पे नोट कर दें। जैसे यहाँ नोट करोगे तो आगे आपको पूछेगा आप कितनी तारीख को करोगे, डेट भी आपको बताना है और टाइम कितनी बजे लोगे, कितने मिनट तक लेना है हमें, कितने मिनट यानी 40 सेकेंड, 60 सेकेंड या 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी है हम टाइम यहाँ नोट कर देंगे। नोट करने के बाद में जैसे ही हम नीचे जाएंगे, ये हमारा अलाउ भी हम कर सकते हैं, मीटिंग आईडी है जो भी है इसको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मीटिंग अटेंड करना है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी हम वो ज्वाइन होगा तो उससे सबसे पहले हम परमिशन लेनी पड़ेगी, हम ओके करेंगे, ऐड करेंगे तभी वो ऐड होगा, इसलिए हम इस ऑप्शन को अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका ज़रा ध्यान रखना, कोई भी दूसरा मेंबर इसमें ज्वाइन ना करें, तो जिसको ज्वाइन कराना वही मीटिंग को इसको ज्वाइन करेगा तो उसको हम एडमिन ऐड कर लेंगे, इसलिए इस ऑप्शन का खास कर ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन है, एकदम इसी तरीके से रखना आपको। और जैसे हमें रखना है 5 बजे मीटिंग लेनी है, तो मैं यहाँ पे 5 नोट करता हूँ और ये पीएम में है, ओके। फिर 5 से हम 6 1 घंटे की लेनी क्लास, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 0:00 लगा देंगे और ये पीएम यानी 1 घंटे की क्लास हो गई, यहाँ हमारा टाइम हो गया, और जो भी कोई टॉपिक होगा तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्लास मीटिंग है, तो क्लास मीटिंग जो भी होगा एक्स वाई जेड जो भी है हम नोट कर देंगे, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ A2Z, ओके। उसके बाद में हम डन करेंगे, ऊपर ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे डन करेंगे। जैसे ही डन करेंगे, ये डन क्यों नहीं हो रहा है, अभी ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये आज 4 तारीख है, इसलिए इसको अब डेट को आगे करना पड़ेगा, 4 अप्रैल है तो हम इस पर 23 तारीख करेंगे, 23 करेंगे तभी तो ये कल की डेट में हो जाएगा। फिर डन
करने के बाद में जो भी आगे ऑप्शन आएगा डन के बाद में, ये अपने जो भी मीटिंग ली है ये ईमेल आईडी के ऊपर शो करने लग जाएगा। ये शो होने के बाद में जस्ट आपको ये दिखाई देगा, ये आप जो ये मीटिंग है या आप किसी को शेयर करोगे तभी तो वो अटेंड करेगा, या आईडी दोगे तभी तो वो उसी टाइम पे आपको मीटिंग शो करेगा। तो आपने यहाँ पे देख रखे हैं, आप यहाँ पे इसको आल मार्क करके आल क्लिक करना है। आल क्लिक करने के बाद में आप कॉपी कर लो। ओके, कॉपी करने के बाद में आप बैक भी हो सकते हो और किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हो, और किसी को ज़्यादा शेयर करना हो तो सीसी में जाके हम जितने को शेयर करना चाहते हैं उतने को शेयर कर सकते हैं। ये कॉपी अभी मैंने इसलिए की है कि आप जैसे व्हाट्सएप में सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर अपने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट करना है, कॉपी करके कॉपी फिर पेस्ट कर देना वहाँ पे व्हाट्सएप पे लिंक पे जाके, तो ये वाला जितना भी होगा सो वहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे मैं वापस पीछे चलता हूँ, मीटिंग ऑन करने कैसे करनी है ये भी आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आपको मीटिंग इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टार्ट करनी है आपको, पहले ही 1 या 2 मिनट पहले ही आपको ये ऑन कर लेना है। 5 बज रहे हैं तो आपको लगभग 1 या 2 मिनट पहले ही ऑन करना है, स्टार्ट करना है आपको। थोड़ा स्लो हो रहा है, जैसे आप ऑन करोगे कनेक्टिंग दिखा रहा है, जैसे ये शो हो गए हैं। शो होने के बाद में आप मीटिंग लेना चाहते हो तो ये आपकी वॉइस है, जैसे अनम्यूट दिखाई दे रहा है तो आप इसको अनम्यूट है, अभी आपकी आवाज़ आएगी, नहीं तो आपकी आवाज़ वहाँ तक सामने वाले के पास में पहुँच नहीं पाएगी। और वीडियो को आप ऑन करोगे तभी आपकी फेस दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आपकी जो भी स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर है वही आपको दिखाई देगा। जैसे आप ये स्टार्ट वीडियो है, स्टार्ट वीडियो को ऑन करोगे तो आपकी फेस दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो म्यूट, आप अगर कोई आ रहा है तो आप पर्सनल बात को आगे नहीं भेजना तो म्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो इसको, ठीक है। और कितने कनेक्ट हो रहे हैं पार्टिसिपेट पे देखोगे तो इस पे एक तो ये वाला है, इधर देखिए एक तो वीडियो है, तो वापस देखना यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है शेयर, ये शेयर है, तो शेयर पर आप क्लिक करोगे तीसरे ऑप्शन पे तो इसमें अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट ऑन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, बॉक्स है, फोटो है, तो फोटो के अंदर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सीधे अपनी जो गैलरी होती है माई पिक्चर है, जैसे हमने कुछ उनको दिखाना है पिक्चर के माध्यम से कोई जो भी दिखा के समझाना चाहते हैं तो वो माई पिक्चर में हम जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट है रखा हुआ तो उसमें जा सकते हैं, ड्राइव में है तो ड्राइव में जा सकते हैं, फोटो है तो फोटो में जाके वो हम क्लिक दिखा सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास है कुछ माई पिक्चर के अंदर रखा हुआ है, कुछ पिक्चर मेरे को दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, उस ऑप्शन में जाना है और जो भी मेरे पास पहले से डाटा था उस पर रखना है, क्लिक करना है और यस इस पर जिस पहली पिक्चर उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन उसी स्क्रीन पर सामने वाले को दिखाई देगी, तो स्क्रीन दिखाई देगी तो हमारे पास एक पेन भी यूज़ में आ सकता है, जैसे हम उनको समझाने के लिए जैसे ये 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 2-स्ट्रोक डीजल इंजन है, इसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं। और वापस इसको इसमें गहराई के लिए ये ऑप्शन दिखाई देता है, ये वाला ऐसे हम करके अलग अलग जगह पे हम दिखा सकते हैं। फिर पेन है, इसमें पेन की 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं गहराई करने के लिए, और वापस इस पेंसिल भी यूज में ले सकते हैं, इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं इसी प्रकार से, रेड है, ब्लैक है, पिंक है, येलो है, तो
हम चेंज कर सकते हैं। इसकी मार्क जो भी मार्कर है उसको हम ज़्यादा या मोटा या पतला भी कर सकते हैं डिज़ाइन के अनुसार, हम समझाने के तौर पे। ओके, फिर आता है रबड़ है, इसके जो भी हमने कुछ लिखा है उसको साफ करना है। ओके, फिर सेव का ऑप्शन है तो सेव भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जैसे ही इस वापस पिक्चर को पीछे की ओर लाना है तो स्टॉप शेयर ये कैंसिल करेंगे तो मेन स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। अगर हमें एकदम वाइट बोर्ड लेना है तो ये डॉक्यूमेंट है, वेब यूआरएल है, बुक मार्क है, स्क्रीन है, जो भी हम दिखाना चाहते हैं सबसे लास्ट लास्ट ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे नीचे शेयर वाइट बोर्ड लगा हुआ है, इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये एकदम पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा और हमारे पास एक पेंसिल भी आ जाएगी जो भी हमें कुछ समझाने के लिए समझा सकते हैं। एकदम सही तरीके से अपने अंगुली के द्वारा हम स्क्रीन टच करते हैं तो उसके माध्यम से हम समझा सकते हैं, जैसे हम मैं बता रहा हूँ बी सी डी ई एफ, इसी प्रकार जैसे हम अलग अलग कलर लेना है तो इसी प्रकार वापस ये उसी प्रकार हमें समझा सकते हैं। ओके, फिर वही बात है, रबड़ का हम यूज़ में लेंगे, इसको साफ़ करना है, इस वाले को साफ़ करना है या बी को साफ़ करना है, तो ये इजी है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं सामने वालों को। फिर वापस बैग जाना है तो क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है और वापस स्टॉप, इसी स्टॉप पे हम क्लिक करेंगे नीचे नीचे तो स्टॉप के अंदर ये वापस बीच के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला स्टॉप स्टॉप कर देंगे तो मेन स्क्रीन के ऊपर आ जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना, आपको पार्टिसिपेट अगर ऐड ऐड कर रहे हैं तो ये सबसे पहले देखेंगे हमारी वॉइस जा रही नहीं जा रही है, तो हमारा अनम्यूट है और वीडियो भी अनम्यूट है तो वीडियो हमारा नहीं दिखा रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है तो अनम्यूट को म्यूट करना है हमें, तो म्यूट करेंगे तो पीछे देखेंगे ये रहा यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन पे है तो अनम्यूट है, इसको क्या करेंगे म्यूट करेंगे तभी हमारी आवाज़ आगे पहुँच पाएगी। ठीक है, तो पार्टिसिपेट देखेंगे कितने एड है हमारे, जैसे अभी मैं एक हूँ तो एक ही दिखाई देगा, अगर और भी ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे शो करने लग जाएंगे कितने एड हैं और इनमें कौन कौन वीडियो ऑन कर रखा है, किन का म्यूट है, वो सारे डिटेल हम इसमें देख सकते हैं। ओके, फिर आप फिर पीछे बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद में मोर के अंदर देखते हैं, अलग सेटिंग दी रहती है तो इसमें जो चैट करता है, चैट है, सिक्योरिटी चैट सिक्योरिटी देख सकते हैं, मीटिंग सेटिंग है, यूट्यूब है, ये अलग बात, लेकिन जो भी कोई क्वेश्चन करता है तो इसी ऑप्शन पे जैसे करेगा वो बंदा दिखाई देगा तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं म्यूट करके कि आप अपना जवाब दीजिए कि आप का क्या जवाब क्वेश्चन है तो उसका हम जवाब दे सकते हैं कि उसने कुछ पर्सनली यानी उसने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा इसलिए हैंड ओवर का दे रखा है, और अगर वो आप वो अच्छा लगा अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको वो ताली भी बजा सकता है। ओके, और आपको अच्छा ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं डिज़ाइन के अनुसार ये दिखाई देता है, तो मेरे को ऐसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी माध्यम से मैं आपको गूगल मीट के बारे में बताऊंगा, अभी यह जूम ऐप है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।